हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एंड यू फार्मा। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी जिसमें स्टूडेंट्स का ये कहना था कि हम उन्हें बताएं कि कौन कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है जहां पर की फार्मेसी कोर्सेज रन होते हैं, स्पेशली छत्तीसगढ़ में। तो आइए हम इनके बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि वहाँ कौन कौन से कोर्सेज हैं और कौन से ईयर में इन यूनिवर्सिटीज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो अगर हम देखें समरी तो हमारे पास 5 यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर कि फार्मेसी कोर्स रन होते हैं। ये सिर्फ अभी मैं गवर्नमेंट वाली यूनिवर्सिटीज की बात कर रही हूँ, इसमें हमने अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को इंक्लूड नहीं किया है। तो फर्स्ट है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1964 में। फिर है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, जो कि 1983 में एस्टैब्लिश हुआ था। फिर आता है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, भिलाई या नेवई में है, अभी 2005 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। फिर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंसेज एंड आयुष यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ रायपुर, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 2009 में। और है संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, जिसको कि सरगुजा यूनिवर्सिटी या सरगुजा विश्वविद्यालय बोला जाता है, ये अंबिकापुर सरगुजा में है, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 2008 में। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और वहां पर जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है उसका नाम है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी रायपुर। वहां बी फार्म, एम फार्म और पीएचडी कोर्स रन होते हैं। एम फार्म की एक ही ब्रांच है, फार्मास्यूटिक्स ब्रांच, विद 12 सीट्स। फिर आते हैं हम गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में, वहां की फार्मेसी डिपार्टमेंट का नाम है SLT, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज बिलासपुर। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म रन होता है और साथ में पीएचडी भी। एम फार्म की ब्रांचेस हैं फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फिर आते हैं CSVTU में। CSVTU में काफी सारे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस जिसको कि CSVTU एफिलिएट करता है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है रायपुर में। तो जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है वहां पर, वो विमेन्स पॉलिटेक्निक है, वहां सिर्फ गर्ल्स होती हैं और वहां पर कोर्स होता है डी फार्म। और जो डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म, पीएचडी सारे कोर्सेज होते हैं। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग वहाँ पर कोर्सेज का डिटेल्स है जो हम आगे देखेंगे। फिर आते हैं हम आयुष यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर 2 कॉलेजेस हैं, एक है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो कि रायपुर में प्लेस्ड है और दूसरा है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो राजनांदगांव में है। दोनों ही जगह बी फार्म कोर्स है सिर्फ। फिर आते हैं सरगुजा यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर की डी फार्म कोर्स है और बी फार्म कोर्स है। तो इस तरीके से ये एक समरी है। आगे हम डिटेल में देखते हैं वन बाय वन इन 5 यूनिवर्सिटीज के बारे में। तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, जो कि रायपुर में प्लेस्ड है और ये NAC एक्रीडिएटेड है। और इसको अगर हम लोग देखें कि इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो ये 1964 में एस्टैब्लिश हुई थी। और इसकी यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो थे मध्य प्रदेश के, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, उनके नाम से इसका नामकरण है यूनिवर्सिटी का। और ये लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन का छत्तीसगढ़ में। यूनिवर्सिटी जो है ये, इसका एग्जिस्टेंस आया या ये एस्टैब्लिश हुई 1 मई को और इसका फंक्शनल हुई 1 जून 1964 से। शुरू में इसमें 46 एफिलिएटेड कॉलेजेस थे, 5 यूनिवर्सिटी के टीचिंग डिपार्टमेंट से इनको UTD बोलते हैं और करीब 34,000 स्टूडेंट्स से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई। ये डिटेल्स हमने इनकी वेबसाइट से ली है, आप वेबसाइट में जाके डिटेल्स को देख सकते हैं। उसके बाद फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो उस समय मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग थी, उन्होंने इनॉग्रेट किया था यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट को 5 सब्जेक्ट्स में ऑन July 2, 1965। प्रेजेंटली अगर हम देखें तो लास्ट 44 ईयर्स में स्टूडेंट्स के नंबर भी बहुत सारे बढ़ चुके हैं, डिपार्टमेंट्स बहुत सारे आ चुके हैं, जैसे कि ह्यूमैनिटीज है, नेचुरल साइंस, लॉ एजुकेशन, फार्मेसी मैनेजमेंट, फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस, कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर 23 डिपार्टमेंट्स है जिनको कि स्कूल्स बोला जाता है और 144 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जो कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ में स्प्रेड है। तो ये इनकी हमने वेबसाइट की भी डिटेल दे दी है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हम इनकी वेबसाइट का लिंक डाल दें। ये कुछ हमने इनकी वेबसाइट से ली है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो कि रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में है, और इसी में एक डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जो कि फार्मेसी डिपार्टमेंट। ये हम आपको दिखा रहे हैं बिल्डिंग फार्मेसी डिपार्टमेंट की। और जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी है उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था ईयर 2001 में। शुरू में 60 स्टूडेंट्स थे, बी फार्म से स्टार्ट हुआ था।
सिंस 2004 इंस्टीट्यूट वॉज अप्रूव्ड एज रिसर्च सेंटर एंड दे स्टार्टेड पीएचडी प्रोग्राम अंडर द फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी इन फार्मेसी. देन इन द सेशन 2006-07 द इंस्टीट्यूट वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर मास्टर्स इन फार्मेसी. फार्मास्यूटिक्स ब्रांच पे वहाँ एम फार्म है और वहाँ पर 12 सीट्स हैं. अब बात करते हैं हम जीजीयू यूनिवर्सिटी की, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय. और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई है अभी इंडिया की. ये बिलासपुर में लोकेटेड है और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था अंडर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 में. इनिशियली या फॉर्मली कहा जाए तो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय जो था वो एस्टैब्लिश हुआ था अंडर द एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन June 16, 1983. तो इसका एस्टैब्लिशमेंट यूनिवर्सिटी का June 16, 1983 से है, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी 2009 में. और इसका जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है उसका नाम है SLT इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज और इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1997 में. तो इसकी भी हमने वेबसाइट लिंक दे दी है, इसको आप देख सकते हैं. फिर आते हैं हम CSVTU छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में. इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था बाय एन एक्ट नंबर 25 ऑफ 2004 ऑफ लेजिस्लेचर पास्ड बाय द छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट असेंबली और 21 जनवरी 2005 को पास हुआ था. और इनिशियली इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स जो थे लाइक आर्किटेक्चर एंड फार्मेसी इनसे ये स्टार्ट हुआ था. और इट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 30 अप्रैल 2005 बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह. और ये हमने आपको एक लिस्ट दे दी है, इनकी वेबसाइट से ली हुई है, ऐसे कॉलेजेस जो कि डिप्लोमा और बीफार्म एमफार्म रन करते हैं. तो ये आप देखिए यहाँ पर कॉलेज का नंबर है, इंस्टीट्यूट कोड दिया हुआ है, हमने नेम दिया हुआ है, एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है. तो जो गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक है बैरन बाजार में ये गवर्नमेंट है और बाकी जितने कॉलेजेस के नेम है ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं. तो ये आप 17 कॉलेजेस देख सकते हैं जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी रन करते हैं. इसके बाद आते हैं बी फार्म या बैचलर ऑफ फार्मेसी रिलेटेड नहीं, मतलब ये CSVTU एफिलेटेड है बट ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं. इसमें 14 कॉलेजेस हैं जो कि बैचलर ऑफ फार्मेसी जहाँ पर कि रन होता है. इसके बाद आते हैं हम मास्टर्स ऑफ फार्मेसी में, तो ये 4 कॉलेजेस हैं जहाँ पर कि एम फार्म चलते हैं, इनको भी आप देख सकते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं अगली यूनिवर्सिटी जिसको कि सरगुजा विश्वविद्यालय बोला गया है और ये अंबिकापुर में प्लेस्ड है, बट अभी इसका जो नाम है वो चेंज हो गया है. इसका नाम अभी है संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, ये सरगुजा में प्लेस्ड है और 2008 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ. और ये जो वहाँ की 5 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर और बलरामपुर. और जो सरगुजा यूनिवर्सिटी है वो टीचिंग कम एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर 75 कॉलेजेस इससे एफिलेटेड हैं, 7 यहाँ पर डिपार्टमेंट्स है और 1 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है. और ये भी जो यूनिवर्सिटी है ये भी अप्रूव्ड है बाय UGC, IIT, BCI, PCI एंड इट इज ऑल्सो एक्रेडिटेड बाय NAC. ये आप इसकी बिल्डिंग की फोटोग्राफ देख सकते हैं, इसकी भी हमने वेबसाइट की लिंक दे दी है, इसको भी आप जाके डिटेल में इसमें देख सकते हैं. नेक्स्ट हम आते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंसेज एंड आयुष यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़. इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 16 सितंबर 2008 को और इसको हम कॉमनली आयुष यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं. फार्मेसी में देखा जाए तो इसमें 2 कॉलेजेस हैं, एक है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी रायपुर और दूसरा है राजनांदगांव में. दोनों ही कॉलेजेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2017 में और वहां पर बी फार्म के 60 स्टूडेंट्स से इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था. और इसकी भी लिंक हमने यहाँ दे दी है, इससे आप जाकर के डिटेल में देख सकते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट 5 यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर कि ये जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ फार्मेसी कॉलेजेस चलते हैं. तो होप आपको एक समरी मिल गई होगी. और भी अगर आप कुछ किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. स्टे कनेक्टेड विद अस, कीप वॉचिंग आवर चैनल साई एडू फार्म. Thank you so much.